किन पदों पे आज मतदान हुआ? हमारे संगठन का 7 पद होता है, अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष, मंत्री, उपमंत्री, कोषाध्यक्ष, ऑडिटर, जिसमें 3 पद निर्विरोध हुआ है, कोषाध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष और ऑडिटर, 3 पद निर्विरोध हुआ है और 4 पदों पर चुनाव हुआ है, निर्वाचित किए गए हैं, जिसमें अध्यक्ष पद और वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मंत्री और उपमंत्री, 4 पदों पर मेरा जो है चुनाव कराया गया। कौन कौन लोग विजयी हुए, नाम भी अगर? इसमें अध्यक्ष पर विजय सिंह 189 मत पाकर के विजयी घोषित किए गए हैं और वरिष्ठ उपाध्यक्ष भीम सिंह सक्सेना 186 मत पाकर के विजयी घोषित किए गए हैं। मंत्री अवनीश कुमार पटेल 182 मत पाकर के विजयी घोषित किए गए हैं। उप मंत्री जोगेंद्र सिंह 175 मत पाए हैं, जो विजयी घोषित किए गए हैं। अपना पूरा परिचय भी दीजिए। मैं राम पूजन राम, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ। मंत्री के जी, मैं सबसे पहले तो जनपद के सभी लेखपाल साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे लगातार दूसरी बार उन्होंने जिला मंत्री पद पर चुना है। जो भी समस्याएं थी उन्हें मिलकर प्रयास करने संस्कार करने का प्रयास किया और जो सेट बची थी उसे हम आगे बढ़ाएंगे और साथियों का जितनी भी समस्याएं हैं उसको दूर करेंगे, उन्हें कोई चीज तरह की कठिनाई ना हो। एक एक मिनट भैया, कितना मुश्किल था आपके लिए चुनाव जीतना? नहीं नहीं हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास, हमारे जितने भाई थे सब लोगों ने मन चढ़कर मन को अपने बना लिया था कि इस बार विजय सिंह को जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। मात्र 2-3 दिनों के अथक परिश्रम से ये पद हमको हासिल हुआ है। अब मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि अपने समवर्ग के लिए तत्पर रहूँगा, जितना हमसे हो सकेगा हर वक्त हर समय कदम से कदम मिला करके सबको ले करके चलने की पूरी कोशिश करूंगा। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी, क्या करेंगे सबसे पहले? यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत यह है, जो तहसील अलग अलग तहसील है, तहसील लालगंज है, तहसील सदर है, तहसील चुनार है, तहसील मढ़ियान है, हर तहसीलों की सिस्टम थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं चलता है। जैसे चुनार का कुछ प्रकार से चलेगा, सदर का कुछ प्रकार से चलेगा, लालगंज का कुछ प्रकार से चलेगा, मढ़ियान का कुछ प्रकार से चलेगा। तो मेरा ये सोच रहेगा कि चारों तहसील के लोग या चारों तहसील के अधिकारी एक सोच और एक विचार से चले। हम कोई नेता नहीं है, हम कर्मचारी संघ के यूनियन के चुने गए एक पदाधिकारी हैं। तो हमारा यही सोच है कि हम लोग सब लोग मिल करके अपने संघ, अपने समवर्ग की रक्षा करते हुए अपने हर हक अधिकार को प्राप्त करें। यही मेरा सोच है और यही मेरा निर्विरोध के लिए सोच था। हमारे मढ़ियान के अध्यक्ष जी हैं रामाश्रय जी, चुनार में एक मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में उनका कहना था कि जो चुनाव लोग घूम घूम करके प्रचार कर देते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाती है भाई, तब तो निर्विरोध नहीं हो पाता है। तो हमने मना किया था कि हमने भाई घूम करके प्रचार नहीं करेंगे। तो कुछ लोग घूम गए किसी और तहसीलों में, उस कारण बस घूमना पड़ा। और घूम करके जब व्यक्ति किसी दूसरे तहसील में जा करके लोगों से कहता है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमको आप सपोर्ट कीजिए, हमको वोट दीजिए, तो उस व्यक्ति को फिर बिठाना या निर्विरोध कराना उचित नहीं रहता है, इसलिए वो नहीं करते। जिला कार्यकारिणी का, उत्तर प्रदेश लेखपाल की जिला कार्यकारिणी का आज कार्यकारिणी का चयन किया गया, जिसमें सभी जो भी जुझारू लेखपाल साथियों का चयन हुआ है, हमारी तरफ से सबको कोटि कोटि बधाई। तथा हम यही चाहेंगे कि भविष्य में इन लोगों के द्वारा हमारे लेखपालों की समस्याओं को जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर रखी जाए तथा हमारे संघ बहुत ही मजबूती मिले और सभी लोग अपने कार्य के प्रति सभी लोग निष्ठा से पूरी तरह से निष्ठावान होकर के अपना कार्य करें और सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या लग रहा है आपको?
जिला संघर्ष से महान नहीं होता, अरे चारा बड़ा होने की सोच